अबीरा नहीं चाहती कि रूही का दिल टूटे। अबीरा नहीं चाहती कि रूही नाराज हो और इसीलिए वो दादी साह को कहती और रिक्वेस्ट करती नजर आई कि पूजा मुहूर्त से पहले ही कर देते हैं। दादी साह इन सारी चीजों को लेकर नाराज तो हुई, लेकिन उन्हें भी पता है कि रूही गलत नहीं बोल रही। वो जानती है कि अबीरा जो कर रही है और कह रही है वो सही है। वो जानती है कि यहाँ पर अगर रूही का भी दिल टूटा तो परिवार में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रूही ऐसी नहीं है। रूही तो एक के बाद एक चाले चल रही है। रूही ने तो अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अब अबीरा के आंसू नहीं थम रहे। रूही ने कुछ ऐसा किया है जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा अबीरा को। तो चलिए, क्या कर बैठी है रूही और कैसे इन सारी चीजों का पता चला है, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब जब देखती है अबीरा कि उसकी माता की मूर्ति खंडित हो चुकी है, वो मूर्ति जिसको बैठकर उसने इतने दिल से बनाया था, उसके आंसू नहीं रुकते। और जब अरमान देखता है तो वो ये कहता है कि ये बात तो पता करनी ही होगी कि आखिरकार इतनी घटिया हरकत किसने की है। और इसीलिए वो अबीरा को कहता है कि हमें CCTV फुटेज चेक करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अबीरा इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि अगर CCTV फुटेज देखी तो यहाँ पर साफ हो जाएगा कि ये सब चीज़ें किसी और ने नहीं बल्कि रूही ने की है। और जब ये बात दादी साह तक पहुँचती है तो दादी साह भी साफ कहती हैं कि वो CCTV फुटेज देखना चाहती हैं। और उसके बाद फुटेज में साफ हो जाता है कि ये सारी हरकत किसी और ने नहीं बल्कि की है रूही ने। और ये सब देखकर दादी साह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो रूही को घर से बाहर निकालने की धमकी भी दे डालती हैं। उन्हें अब धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है कि अबीरा दिल की बहुत साफ है। वो भले ही गलतियाँ करे, लेकिन वो कभी भी किसी और के साथ गलत नहीं कर सकती। वो परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।